है फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू गाइज आर डूंग एब्सोलुटली फाइन यू गाइज आर हेल्थी यू गाइज आर डूइंग ग्रेट तो हम लोग फिर से उस uh, फेज पर आ चुके हैं जिसको हर एक इम्प्लॉय को पूरे साल वेट रहता है दैट इज दाइकिल और uh, मैं टीसीस के स्पेसिफिक कुछ डिटेल्स एयर करूँगा इस वीडियो में कि आपको एट दिस पॉइंट क्या करना चाहिए टू गेट अ गुड बैंड ठीक है क्योंकि अब देखो अब साल तो निकल गया तकरीबन बस और वी आर एट द स्टार्ट ऑफ द अप्रैल साइकिल ठीक है फॉर दिस ईयर तो अब काम तो हो गया जितना आपने जैसे भी करना था राइट right? आपने अच्छा करा था बहुत बहुत ही अच्छी बात है अगर कहीं कहीं पे कुछ मिसेज हुए हैं देन दिस वीडियो वुड बी फॉर यू गाइज जहाँ पे आई वुड गिव यू लिटल टिप्स कि क्या करना चाहिए आपको ताकि आपका वो बैंड में इम्पैक्ट ना हो और ये कोई फुल प्रूफ नहीं है इज जस्ट मैंने जितना ऑब्जर्व करा है जितना जितना देखा है राइट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैंने तकरीबन सात साल टी सीज़ में गुजारा है तो मैंने सात अप्रेजल साइकल्स देखे हैं मैंने सात बैंड्स देखे हैं राइट तो उन सब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊँगा तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा तो जैसे मैंने आप, आपको बताया यस अप्रेजल साइकिल स्टार्ट हो चुका है और वी आर ऑलरेडी इन टू दी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च और आई थिंक अप्रैल अप्रैल तक तो ये क्लोज भी हो जाता है शायद तो क्या करना चाहिए टू गेट गुड बैंड इन टीशियस क्योंकि अच्छा बैंड मिलेगा तभी आपको आ, मैं अच्छा इंक्रीमेंट तो नहीं बोलूँगा बदन हाँ अच्छा बैंड मिलेगा तभी आपको ठीक ठाक इंक्रीमेंट मिलेगा क्योंकि टी में कभी अच्छा इंक्रीमेंट मिलता ही नहीं अंटल नालनेस आपका ये प्रमोशन ना हो प्रमोशन पे भी ये कुछ चौदह से सोलह परसेंटेज का कुछ देते हैं तो नंबर वन सबसे पहले अगर आपको अच्छा बैंड चाहिए तो ऑफिस जाओ अगर आप लोग ऑफिस जा रहे हो एज पर जो भी टी का नॉम नौ, है राइट जो हफ्ते में तीन दिन का तो वेल एंड गुड लेकिन अगर आप उनमें से हो जो ऑफिस नहीं जा रहे हो बिकॉज ऑफ वट एवर जेड रीजन एक्स वाई जेड पर्सनल रीजनस तो दिस इज हाई टाइम क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टाइम एंड अगेन डी से आए भी है और रिसेंटली कहीं कहीं ऑफिशियल ऑनऑफिशियल ऑनऑफिशियल ऐसा भी पता चला है कि जो 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 ऑफिस नहीं आ रहे हैं उनको अच्छा बैंड नहीं मिल रहा है इस बारी ठीक है तो अगर आप बैंड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हो दन ऑफिस जाओ दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये अभी का ये बर्निंग टॉपिक भी है और आई थिंक दिस वुड भी वन ऑफ दी मेजर पैरामीटर्स जिससे बैंड डिसाइड होगा तो ये जैसे मैं आप जैसे मैंने आपको बताया इफ यूर नॉट गोइंग टू ऑफिस मेक श्योर यू आर गोइंग टू ऑफिस नाउ एट लीस्ट ये एक दो महीने डेढ़ दो महीने तो चले जाओ एटलीस्ट उसके बाद आप जो भी आपका एक्सपाइट जो भी रीजन है या जो भी जो भी एक्सक्यूजेज हैं आप उस हिसाब से फिर से अपना कुछ कर सकते हो लेकिन अभी के टाइम में चले जाओ दैट इज हाईली रिकमेंडेड नंबर टू जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको नंबर टू वुड बी अब देखो कितने कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे आपको टीसीस uh, में भी अप्रेजल uh, होने से पहले एक ऑफिशियल uh, आपका आप टी, टीम लीड या तो मैनेजर के साथ वन टू वन डिस्कशन होगा रिगार्डिंग आपका जो भी रिव्यू रहा है पूरे साल का राइट right? और कितने कितने में ये है कि ये uh, ये रिव्यू करते भी नहीं है डायरेक्टली बैंड भेज देंगे राइट तो उस हिसाब से भी चलता है तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट आपका मैनेजर कैसा है उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी कोई जनरलाइज्ड चीज कोई जनरलाइज्ड प्रोसेस नहीं है हालांकि होना चाहिए जो टी के पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए बतिन कहीं कहीं पे काफी सारे मैनेजर्स इसको बाईपास कर देते हैं उनको वो जरूरी नहीं समझते ये सारी चीज़ें डिस्कस करने को ठीक है तो आप अपने एंड से थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच ये ले सकते हो कि आपको तो अपना काम पता है राइट कि आपने पूरे साल में क्या कुछ काम करा है कहाँ पे आपने इम्पैक्ट डाला था कहाँ पे आपने एक्स्ट्रा आवर्स काम करे कहाँ पे आपने वीकेंड सपोर्ट करा कितनी बारी वीकेंड सपोर्ट करा कितनी बारी आप जब भी आपका मैनेजर का कॉल आया हो आप अवेलेबल थे राइट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा टाइम के साथ वो सारी डिटेल्स आप निकाल के हैंडी रखो नहीं बट एटलीस्ट उसमें से जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है राइट वो एटलीस्ट मंथ एटलीस्ट मंथ का टाइम लाइन लेके कि यार मैंने इस मंथ पे यहाँ पे सपोर्ट करा था यहाँ पे अच्छा काम करा था यहाँ पे मेरे को क्लाइंट से अप्रिशिएशन आया था अप्रिशिएशन ईमेल्स ई मेल्स हैं मेरे पास तो वो जितने भी आपके अप्रिशिएशन ई मेल्स आई हैं राइट वो थोड़ा हैंडी एक अलग से फोल्डर बना के हैंडी रख लो और जहाँ जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है वो सारी चीजें थोड़ा बहुत अपने दिमाग में वो भी निकाल के थोड़ा हैंडी रख लो ताकि जब भी आपको मौका मिले ऐसा ना हो कि जब भी आप अगर आपको मौका मिल रहा है वन टू वन डिस्कस करने का तो आपके पास पॉइंट्स ना हो अपने आपको डिफेंड uh, करने के लिए या तो अपने आपको प्रूव करने के लिए कि यार मेरे को तो ये बैंड चाहिए बिकॉज आई हैव डन दिस 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 थिंग्स एंड एंटायर ईयर राइट तो अपने अपने लिए ही एटलीस्ट वो सारी चीजें हैंडी रख लो ताकि आप कहीं भी ऐसा ना लग, लगे कि यार यार मैं तो अनप्रिपेयर था राइट तो क्योंकि अपना काम तो पता ही होता है राइट तो उसको थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से अगर ज्यादा आपने इम्पैक्ट नहीं भी डाला हो तो सारी वर्ड्स का खेल होता है राइट तो थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो ताकि यू हैव एटलीस्ट चार पांच मिनट कुछ इनपुट देने के लिए आपके पास हो कि आपने पूरे साल क्या करा कैसे अपने प्रोजेक्ट को सपोर्ट करा कैसे टीम कैसे टीम uh, मेंबर्स के साथ अपने जलब करा कैसे टीम मेंबर को सपोर्ट करा वगैरह वगैरह जो भी चलता है राइट एक्स वाई जेड ब्ला हालांकि ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है बट देन एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू टेल ऑन योर साइड उस कंटेक्सट में बता रहा हूँ ठीक है ये हो गया नंबर टू नंबर थर्ड जितना मैंने देखा था टीवीज में ओ, अपने ये ये जो टाइम है ना इस टाइम पे अपने कान खुले रखना कान कान खुले रखना इन द सेंस के Uh, कहीं कहीं पे uh, ये ना बैंड्स वाली डिस्कशन चलती रहती है और चाहे वो एकदम एल वन लेवल के तरफ से हो राइट चाहे वो टीम लीड की तरफ से हो या तो मैनेजर की तरफ से क्योंकि डिस्कशन मैक्सिमम तो विद इन अ ओडीसी होता है राइट तो दैट इज़ वाइट हो सकता है uh, आपका टीम लीड अपने आपके मैनेजर के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हो और Uh, उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं अगर आप आपका अच्छा रैपो है तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट और मैंने ये अपने मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है पहले ही कि यार ये डिस्कस हो रहा था वो डिस्कस हो रहा था राइट तो अपने कान खुले रखो और यहीं पर नेटवर्किंग काम आता है अगर आप का अपने और भी विद इन अ ओडीसी राइट विद इन अ प्रोजेक्ट्स अगर आपका और भी टीम मेंबर के साथ अच्छा खासा रैपो है तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी ठीक है और जब भी चीज़ें पता चली तो एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर इनफ राइट ताकि ऐसे ना हो कि अगर आप, आप डिस्कस कर रहे हो रिव्यू में तो आपको पता चलेगा कि यार मुझे पता चला कि यार ये मेरे को बी देने वाला है या तो ये मेरे को सी देने वाला है right? राइट तो मैं आपको मैं अपने आप को कैसे और ज़्यादा दिखा सकता हूँ या कैसे और ज़्यादा प्रिपेयर कर सकता हूँ उस मीटिंग के लिए ठीक है तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कोई फुल प्रूफ चीज़ तो है नहीं ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ठीक है और फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि डू नॉट एक्सपेक्ट ए एवरी टाइम और ये कोई मैं आ, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ए करने के लिए ए ए पाने के लिए क्या करना चाहिए बदन्या या ये आपके मेंटल पीस के लिए मैं बता रहा हूँ डू नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट बैंड ए क्योंकि कहीं कहीं पे ये अनऑफिशियल ट्रेंड बना रखा है कि मान लो अगर आपका इस साल प्रमोशन हुआ है तो फिर ये ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि यार आपका तो प्रमोशन हो चुका है तो इस बार हम आपको ए बैंड नहीं देंगे बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड ए बैंड ऐसे भी चलता है चीजें तो यस मैं वही बता रहा हूं डू नॉट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि आपको ए ही मिलेगा ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉच थिंग और उसी से आपको मेंटल पीस मिलेगा तो आ, बस यही इनपुट्स थे मेरे पास एंड आई एम सैनसोर आप लोग भी अग्री करोगे इस चीज़ में और मैं कोई कोई दूसरे के जैसे दूसरे बोलते हैं यार राइट आप ये कर लो वो कर लो यार कोई इंटरव्यू तो है नहीं ठीक है कि जो आपको प्रिपेयर होना है और उस हिसाब से आपको बैंड मिलेगा इट जस्ट आपने आपका वो टाइम चला गया उसको कैसे कैश इन करना है कैसे थोड़ा प्रोएक्टिव होना है कैसे मैनेजर लोगों से अच्छा रैपो बना के रखना है मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस में अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपको मैंने बहुत सारी चीजों में कि मैनेजर से मैनेजर से कभी खराब करके मत रखो क्योंकि ये इनडायरेक्टली नहीं ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा आपको डायरेक्टली ही इम्पैक्ट करेगा आपको ठीक है चाहे वो आपका मेंटल पीस हो या चाहे आपका फाइनेंशियल वाली चीज हो राइट दोनों पे इम्पैक्ट आएगा तो हमेशा अपने मैनेजर से बना के रखो तो ये आपके आपको शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में अगर आपका अप्रेजल है चाहे आपका लीव्स लेने के रिक्वेस्ट जो होते हैं राइट जो छोटी मोटी चीजें होती हैं Uh, चाहे वो आपका अप्रेजल हो गया चाहे आपका प्रमोशन हो गया राइट चाहे आपका ऑन साइट हो गया ये सारी चीज़ों में बहुत ही बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है तो हमेशा मैनेजर के साथ बना के रखो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप टू गेट गुड हैंडेड डी सी ठीक है और नॉट ओनली डी सी एस आई थिंक इन एवरी एवरी कंपनी एवरी कंपनी रिलेशन ख़राब करके कोई फायदा नहीं है आपका ही नुकसान होगा ठीक है क्योंकि देखो हाँ हो सकता है कई कई चीज़ों पे देर वुड बी डिफरेंस इन ओपिनियन राइट और वो होना भी चाहिए और होता भी है तो बट देर डेजिग्नेशन पोस्ट आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ये ऐसा तो ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आई सॉरी पर्सनल लाइफ में भी करना ही पड़ता है राइट right? तो ऐसी चीजें चलती है तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आप लोग को पसंद आया हो और अगर आया हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक like भी कर देना ताकि ये वीडियो uh, YouTube के एल्गोरिदम से थोड़ा बहुत तो पॉपुलेट uh, और हो जाए और uh, काफ़ी और भी लोगों के पास रीच करे ये वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन एंड आई एल सी इन द नेक्स्ट वीडियो